तरह तरह के सोलर के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का लाभ उठाइए। मित्रों, ये 2 किलोवाट का सोलर ग्रिड सिस्टम है। इसमें 6 पैनल है 335 वाट की, 2 किलोवाट मीन्स 2000 वाट पर आवर। 2 किलोवाट ये पावर जनरेट करता है। इसमें 335 वाट की 6 पैनल सीरीज में लगाई गई है, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देख सकते हैं ये काफी धूल जमा हो गई है क्योंकि बाहर पवन की गति बहुत है और सोलर पैनल ज्यादातर बाहर ही रहते हैं सभी, तो थोड़ी सी हल्की सी धूल इसमें जम गई है। और ये 2 किलोवाट का प्लांट है गुजरात के अंदर, 40% सब्सिडी है इसके अंदर। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत ही मजबूत पैनल है स्ट्रक्चर, ये क्लैंप काफी मजबूत है, काफी मजबूत हॉट डिप गैल्वनाइज स्ट्रक्चर है ये। तो ये वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, हम लोग आपको A to Z सब कुछ दिखाएंगे और समझाएंगे। ये सैनलाइट कंपनी का पैनल है, 335 वाट का एक पैनल है। देखिए ऐसे 6 पैनल सीरीज में लगाए गए हैं और इसका स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है, नीचे सीमेंटिंग किया हुआ है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल है ये 335 वाट का, एक ऐसी 6 पैनल लगाई गई है सीरीज में। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, हॉट डिप गैल्वनाइज, हिलता नहीं बिल्कुल, नीचे सीमेंटिंग किया गया है तो कितना भी ज्यादा पवन क्यों ना हो ये हिलेगा नहीं। ये जगह रोकता है 200 स्क्वायर फीट, काफी धूल जम गई है। ये 6 पैनल है, 2 किलोवाट का सोलर ग्रिड सिस्टम, इसमें 40% सब्सिडी है। इसकी प्राइस की हम लोग, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी अभी इसकी प्राइस वगैरह, तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो में बने रहें। ये सारे जो सीरीज कनेक्शन है पैनल के वो जाएंगे यहाँ से नीचे, और नीचे ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, इन्वर्टर में जाएंगे। आइए चलिए मैं नीचे उतरता हूँ। ये वेल्डिंग किया हुआ स्ट्रक्चर है और वेल्डिंग के ऊपर स्पेशली स्प्रे कोटिंग है तो वेल्डिंग कभी निकलेगा नहीं। तो आप अभी मैं नीचे उतर जाता हूँ, देखिए 2 मिनट। अभी ये जो आता है ऊपर की सोलर पैनल से, जो सीरीज कनेक्शन में जो सारे वोल्टेज आते हैं वो DC वोल्टेज होते हैं, वो डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे होल लगा के अंदर इन्वर्टर में ले लिए है। और दूसरा एक अर्थिंग का वायर है और एक मीटर में जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, पूरी PVC पाइप में वायरिंग है क्लैंप के साथ। तो ये एक मीटर में जा रहा है और दूसरा अर्थिंग में जा रहा है, दो पाइप नीचे उतरेगी और एक दूसरा अर्थिंग आप देख सकते हैं ऊपर। ये है लाइटनिंग एरेस्टर, जिसे LA बोलते हैं, LA लाइटनिंग एरेस्टर। कोई भी बिजली वगैरह गिरती है तो इससे जमीन में उतर जाती है, लाइटनिंग एरेस्टर, बिजली गिरती है तो जमीन में उतर जाती है। चलिए हम ये अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे DCDB बॉक्स है और राइट साइड पे ACDB बॉक्स है। बीच के अंदर ये 2 किलोवाट का ग्रिड इन्वर्टर है, इसमें ग्रिड वोल्टेज भी आएंगे और सोलर के DC वोल्टेज आएंगे और ये पावर जनरेट करेगा AC पावर, DC का AC में कन्वर्ट करके नीचे मीटर को भेजेगा। अभी 4:30 बजे हैं तो अभी 2 किलोवाट के पावर में आप देख रहे हैं अभी 896 वोल्ट जितने आ रहे हैं। ये ग्रीन बटन का ग्रीन लाइट ऑन रही है, उसके मतलब इन्वर्टर अच्छा काम कर रहा है। अगर नीचे लाल लाइट होती है तो कोई फॉल्ट है, अभी ग्रीन लाइट हो रही है तो इन्वर्टर काफी अच्छा काम कर रहा है। ये स्विच है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि AC वोल्टेज कितना अभी जनरेट हो रहा है, AC कितना नीचे से आ रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी, DC पावर कितना है, वो सब इसमें आप सेट कर सकते हैं। इसमें आप तारीख सेट कर सकते हैं, सब कुछ ये स्विच की मदद से हो सकता है, वो सारे यूजर मैनुअल में हो भी। JFY कंपनी का इन्वर्टर है, JFY, ये ACDB बॉक्स, उसकी स्विच। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दी गई होगी और कितनी सब्सिडी मिलती है वो भी आपको दिखाई दी गई होगी।
देखिए अभी नॉर्मल मोड में इन्वर्टर चल रहा है। नीचे ये वाईफाई का डिवाइस दिया गया है, लेफ्ट साइड में बीच में सोलर का कनेक्शन और राइट साइड में एसी पावर निकलता है। वाईफाई के मदद से आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। और अगर ये कितनी जगह रोकेगा, कितने डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, वो वीडियो हम लोगों ने पहले ही बना के रखा है। और ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो देखने हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाले सभी वीडियो का सबसे पहले लाभ उठाएं। और ये